हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें मैंने प्रीवियस क्लास में मेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया था। अब मैं उसी में फर्दर कुछ टर्मोलॉजीज हैं उसको बताऊँगी। पहला है जैसे कि पॉलिनियम। पॉलिनियम होता है पोलन ग्रेन्स के कंबाइन फॉर्मेशन को हम पॉलिनियम बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पोलन सैक है। पोलन सैक के अंदर ये जो ब्लैक ब्लैक राउंड राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको बोलते हैं पॉलिनियम। और इसी के अंदर छोटे 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 जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है उस वो होते हैं हमारे पोलन ग्रेन्स, यानी पॉलिनियम के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं ग्रुप्स के फॉर्म में। जब पोलन ग्रेन्स कंबाइन हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलिनियम। दूसरा है पॉलिस्पोरी। पॉलिस्पोरी जो होता है, जो माइक्रोस्पोर एक टेट्राड फॉर्म में होता है, जब उसके अंदर मोर देन 4 माइक्रोस्पोर एक टेट्राड फॉर्म के स्टेज को फॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलिस्पोरी। पॉली का मतलब मोर देन 1, 2, 3, 4 जो भी है वो पॉली, यानी कि सो मैनी, जब ज़्यादा अमाउंट में बात करी जाती है तो वो पॉली में बोलते हैं। स्पोरी मतलब का होता है स्पोर्स, यानी माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स जब 4 से ज़्यादा अमाउंट में टेट्राड में प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉली स्पोरी। अब बात आती है कि जो पोलन ग्रेन हैं वो किस तरीके से डेवलप होते हैं। उनको डेवलप होने के लिए उनको एंथर वॉल में से बाहर आना होता है। एंथर वॉल में से बाहर आने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं एंथर डाइसेंस। एंथर डाइसेंस का मतलब होता है ब्रेकेज ऑफ एंथर वॉल। जब ड्राई कंडीशन एंथर वॉल को मिलते हैं तो एंथर वॉल जो होती है वो ब्रेक हो जाती है और उसके अंदर से पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो पाउडरी फॉर्म में बाहर निकल के आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एंथर डाइसेंस। एंथर डाइसेंस भी कई तरीके से ब्रेकेज होते हैं, जैसे कि ट्रांसवर्स डाइसेंस, दूसरा होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल डाइसेंस, तीसरा होता है हमारा पोर डाइसेंस, चौथा होता है हमारा पार्टीशन डाइसेंस। ट्रांसवर्स डाइसेंस के अंदर क्या होता है, ट्रांसवर्स डाइसेंस के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, सॉरी एंथर वॉल जो होती हैं वो इस तरीके से डिवाइड होती हैं जो कि ट्रांसवर्स सेक्शन का फॉर्मेशन करे। यानी कि ट्रांसवर्स वे में जब किसी एंथर वॉल का ब्रेकेज होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डाइसेंस। इसका एग्जांपल है ओसिमम सेंट्रम, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं तुलसी। दूसरा होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल, नाम से ही पता चल रहा है। लॉन्गिट्यूडनल डाइसेंस के अंदर जो एंथर वॉल होती है वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होती है, ब्रेकेज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डाइसेंस। तीसरा होता है हमारा पोर डाइसेंस। पोर डाइसेंस के अंदर जो होता है स्मॉल स्मॉल पोर्स जो होते हैं उसमें जब कोई एंथर वॉल जो होती है या एंथर वॉल डाइसेंस होके जब स्मॉल पोर्स में डिवाइड हो जाती है उसको हम बोलते हैं पोर डाइसेंस। इसमें जैसे कि धतूरा, कॉटन। चौथा आ जाता है हमारा पार्टीशन डाइसेंस। पार्टीशन डाइसेंस के अंदर क्या होता है, जब एंथर वॉल डिवाइड होके पार्टीशन में डिवाइड हो जाए, मतलब एंथर वॉल ब्रेकेज होके पार्टीशन में डिवाइड हो जाती है उसको हम बोलते हैं पार्टीशन डाइसेंस। तो इस तरीके से एंथर का डाइसेंस हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का एक स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, वो किस तरीके से डेवलप होता है और उसके अंदर क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेन, जो उसके डेवलपमेंट में मदद करते हैं, तो ये हम आगे पढ़ते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। पोलन ग्रेन एक राउंड शेप में होता है जो कि टू लेयर्ड होता है। जो एक्सटर्नल जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एक्साइन। नाम से ही पता चल रहा है एक्सटर्नल मतलब कि एक्साइन, और जो इनर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं इंटाइन।
एक्साइन जो लेयर होती है वो एक केमिकल से बनी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। और इंटाइन जो होती है वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। ये एक स्पेशल एक्साइन जो होती है वो इस एक ऐसे केमिकल से बनी हुई होती है जिस पर बायोलॉजिकली और फिजिकली दोनों ही तरीके से किसी भी केमिकल का, बायोलॉजिकली और फिजिकली किसी भी एक्ट का कोई भी असर नहीं होता है। अगर हम इसके बीच के मिडल पार्ट को देखें तो ये मिडल पार्ट जो होता है वो साइटोप्लाज्मिक पार्ट होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका जो न्यूक्लियस जो पार्ट होता है, न्यूक्लियस जो पार्ट होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि सेल डिवीज़न में मदद करता है। फर्दर जब हम पोलन ग्रेन्स में से माइक्रोस्पोर्स की बात करते हैं कि माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, माइक्रोस्पोर्स कहाँ से जर्मिनेट होते हैं, तो न्यूक्लियस जो होता है वो माइटोटिकली डिवाइड होकर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। वो जब मैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट पढ़ाऊँगी उसमें बताऊँगी। पर अगर हम यहाँ बात करें तो इसकी जो एक्साइन एक्सटर्नल लेयर को आप देख रहे होंगे तो इसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा जिसमें कि आपको एक नेट लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा होगा। इसका एक नेट लाइक स्पोर्स के फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है जो कि पोलन ग्रेन को प्रोटेक्शन में मदद करता है। और जो इसका इंटाइन लेयर जो होती है ये बहुत ही थिन और मेम्ब्रेनस होती है। इसका जो काम होता है वो पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। जो इंटाइन जो लेयर होती है ये स्टिकी भी होती है। अगर हम बात करें कि पोलन ग्रेन कहाँ से प्रेजेंट होता है, मेल गैमेटोफाइट कहाँ से प्रेजेंट होता है, जो मैंने बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दो होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर्स के लोब को जो कनेक्ट करने का काम करती है वो कनेक्टिव टिश्यू करती हैं जिसे हम कनेक्टर के नाम से या कनेक्टिव के नाम से जानते हैं। ये दोनों, ये तीनों एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट, ये तीनों मिला के स्टेमन का फॉर्मेशन होता है जिसे हम मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। ये मेल गैमेटोफाइट जो होता है इसी के अंदर पोलन ग्रेन जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जिसे हम मेल गैमेट भी बोलते हैं। जो इसके अंदर जो स्टेमिन होता है इसका जो स्पेशल वर्क होता है वो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो जब हम बात करते हैं कि पोलन ग्रेन एक येलोइश सब्सटेंस होता है जो कि पोलन सैक में से बाहर निकल के आता है। जो मैंने बताया था कि एंथर डाइसेंस होता है वही पोलन सैक होता है। पोलन सैक का जब डाइसेंस हो जाता है तो पोलन ग्रेन्स बाहर आता है। बाहर आने पर ये स्टिग्मा तक पहुंचता कैसे है, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि पॉलिनेटर्स जो होते हैं वो एजेंट्स होते हैं जिनके थ्रू पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक पहुँचता है। इसके अंदर एक पोलन किट होती है। पोलन किट जो होती है वो मेम्ब्रेनस स्टिकी सब्सटेंस से बनी हुई होती है जिसपे पोलिनेटर्स आके स्टिक करते हैं। और क्योंकि ये कलरफुल और फ्रेग्रेंस वाली होती है इस वजह से वो जो पोलिनेटर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होके इसके ऊपर बैठते हैं। बैठने से क्या होता है, जो उनके विंग्स और जो उनके लेग्स होते हैं उनसे वो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं और वो स्टिग्मा तक मूव करते हैं। अगर हम बात करें पोलन ग्रेन की तो ये यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएटेड, इमोटाइल होता है। इमोटाइल का मतलब होता है जो मूवमेंट नहीं करता है। पोलन ग्रेन्स कभी मूवमेंट नहीं करता है, उसको मूव कराया जाता है पॉलिनेटर्स यानी एजेंट्स के थ्रू। वो कभी भी खुद मूव करके ओवरी के ओव्यूल जिसमें कि एक्सल प्रेजेंट होता है उस तक नहीं पहुँचता है। यानी कि पोलन ग्रेन इमोटाइल होता है, यूनिसेलुलर होता है और यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। ये इसके तीन कैरेक्टर होते हैं। और पोलन किट जो होती है इसके तीन कैरेक्टर होते हैं, ये कलरफुल होती है, ये स्टिकी होती है और ये फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करती है। ये तीनों ही जो कैरेक्टर होते हैं वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करके पॉलिनेशन में मदद करते हैं।
तो ये तो हुआ हमारा स्ट्रक्चर किसका, पोलन ग्रेन का। अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट की, तो उसको मैं अब बताती हूँ कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कैसे होता है। तो अगर हम डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट की बात करें, तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले पोलन ग्रेन का एक स्ट्रक्चर बताया था, उसी को फर्दर डिवाइड करके आगे प्रोसीड करके हम डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट को देखेंगे। पहले हमने देखा था कि एक पोलन ग्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है, इसके आउटर लेयर को हम एक्साइन बोलते हैं, इनर लेयर को इंटाइन बोलते हैं, और उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मैंने न्यूक्लियस के बारे में आपको बताया था कि न्यूक्लियस जो होता है वो यूनिट होती है जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है वो उसके सेल के न्यूक्लियस से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस होता है वो फर्दर डिवाइड होके टू सेल्स में डिवाइड हो जाता है। पहला होता है वेजिटेटिव सेल, दूसरा होता है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो इस साइटोप्लाज्म के मैक्सिमम पार्ट को कवर करता है, यानी कि अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव सेल जो होता है वो बिग साइज में होता है, और कोई इसकी कोई भी शेप एंड साइज नहीं होता है, ये इरेगुलर शेप में उसके पोलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहता है। अगर बात करें हम जनरेटिव सेल, ये स्मॉल साइज में होता है, ये इलिप्टिकल साइज में होता है, या राउंड शेप में भी हम इसको बोल सकते हैं कि ये राउंड शेप में भी होता है। अगर हम बात करें कि इन दोनों वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में डिफरेंस क्या है, तो वेजिटेटिव सेल जो होता है इसके अंदर आरएनए और प्रोटीन जो होती है एडिक्वेट अमाउंट में होती है। वहीं अगर हम बात करें जनरेटिव सेल की, तो जनरेटिव सेल के अंदर आरएनए जो होता है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें दोनों में सिमिलैरिटी क्या होती है, तो दोनों के ही अंदर डीएनए एक इक्वल अमाउंट में पाया जाता है। वेजिटेटिव सेल जो होती है वो आगे चलकर या तो डीजनरेट हो जाती है या एक वैक्यूल के फॉर्म में फर्दर डिवाइड हो जाती है। पर वेजिटेटिव सेल किसी भी डिवीज़न में, आगे किसी भी सेल डिवीज़न में मदद नहीं करती है, ये एक वैक्यूल फॉर्म कर लेती है। पर जनरेटिव सेल जो होती है ये माइटोटिकली डिवाइड होके हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करती है। जनरेटिव सेल जो होती है वो हैप्लॉइड यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को माइटोटिकली डिवाइड करके स्मॉल यूनिट यानी कि माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करती है। अगर हम बात करें कि जनरेटिव सेल ही क्यों ये मेल गैमेट को फॉर्म करती है, अगर हम बात, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट नहीं होता है, आरएनए प्रेजेंट नहीं, ये डीएनए आरएनए एक्चुअली होते क्या हैं, ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो कि किसी भी सेल डिवीज़न में मदद करते हैं। इसके अंदर आरएनए बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता है, बट डीएनए होता है, यही सेल आगे फर्दर डिवाइड होती है। अगर हम बात करें कि ये एक पोलन ग्रेन का पोलन ट्यूब के साथ में स्ट्रक्चर है, जो मैंने बात की थी कि जनरेटिव सेल जो होते हैं फर्दर माइटोटिकली डिवाइड होकर हैप्लॉइड सेल का यानी माइक्रोस्पोर्स को फॉर्म करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट। तो हम यहाँ पोलन ट्यूब के अंदर देख रहे हैं कि मेल गैमेट किसमें, जनरेटिव सेल किसमें डिवाइड होगी, मेल गैमेट में, बट वेजिटेटिव सेल एक वैक्यूल का फॉर्म कर रही है, वो आगे चल के या तो इसके वॉल में, सेल वॉल में, इसकी जो वॉल है इसमें डिवाइड कन्वर्ट हो जाएंगी, या फिर एक वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लेती हैं। ये किसी भी सेल डिवीज़न के अंदर वेजिटेटिव सेल हेल्प नहीं करती हैं। तो ये होता है किसके, ज़्यादातर अगर हम बात करें एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर, ज़्यादातर पोलन ट्यूब के अंदर ही उसका मेल गैमेट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ये तो बात हो गई हमारे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो हमने स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट दोनों को यहाँ पे दो वीडियोस के अंदर क्लियर कर लिया कि मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरीके से होता है और उसका डेवलपमेंट फिर किस तरीके से होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने क्या बताया, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। तो आज के लिए थैंक यू।